ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, इसलिए ध्यान दें। 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स के लिए राहत की खबर आई है कि 1 जनवरी साल 2025 से देश में कहीं भी किसी भी बैंक से अब वो अपनी पेंशन निकाल सकेंगे, जो कि पहले नहीं हो रहा था। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मांडविया ने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। इस ऐतिहासिक फैसले से देश में कभी भी किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से पेंशनर्स पैसे निकाल पाएंगे और इसके लिए उनको अपने होम टाउन या फिर अपने गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशनर्स की मुश्किलों को हल करने में मदद होगी जिसका वो लंबे समय से सामना कर रहे थे। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए देश में पेंशन डिसबर्समेंट में मदद मिलेगी और इसके लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स के ट्रांसफर करने को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पेंशनर्स को एक से दूसरी जगह जाने पर या फिर बैंक या शाखा बदलने पर पेमेंट ऑर्डर जारी करना पड़ता था। ऐसे पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन चले जाने पर भी दिक्कत होती थी। अब अगले फेज में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। आपका इस बदलाव पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.